नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए जो भर्ती है सरकारी नौकरी में आ चुकी है, ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एंड इंडिया लिमिटेड में 437 पदों पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि SC और ST को उम्र में छूट दी जाएगी मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन पर। जब दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा इसमें, तो आपको जो उम्र में काफ़ी छूट दी जाएगी, आपको इस वीडियो में सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरकारी नौकरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने IT ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, apprenticecpindia.in पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपको अभी बताने वाले हैं कि इसका जो पद का नाम है क्या होने वाला है। तो जो भर्ती निकली है, पद का नाम अप्रेंटिस है, ये देख पा रहे हैं। और नंबर आप पोस्ट 437 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका आवेदन कब से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, 13 सितंबर 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 29 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट रहेगा, तो ध्यान से करिएगा। और यहाँ पे निःशुल्क दिया हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतने मांगा है। जो आपका ITI वाला है वो डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब ट्रेड का क्वालिफिकेशन में। अब वैकेंसी का डिटेल देख पा रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं पद का नाम और पदों की संख्या। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल AM हैं उनका 162 पद है, इलेक्ट्रीशियन का 70 पद है टोटल। और जो फिटर के जितने भी हैं उनका जो है 70 पद निकला हुआ है। अब मैकेनिक R&SC का 17, टर्नर का 17, मशीनिस्ट का 17 पद निकला हुआ है। आगे देख पा रहे हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर का 13 पद निकला है, COPA का 45 पद है, बिल्डर का 22 है, पेंटर का 4 पद टोटल निकला हुआ है। उम्र सीमा की अगर बात किया जाए, तो उम्मीदवार की उम्र जो है 18 से 25 साल तय की गई है। और OBC कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 साल रखा गया है। आगे बात किया जाए SC ST के लिए अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है। और जो जॉब लोकेशन सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसमें सिलेक्शन दोस्तों होगा मेरिट बेसिस पर होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा। और सैलरी अभी जारी नहीं किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जारी नहीं किया गया है, बाद में जारी कर दिया जाएगा। तो इससे आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं कौशल विकास मंत्रालय के अप्रेंटिस पोर्टल पर जाके apprenticecpindia.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जाएंगे उसको अपलोड करना है आपको, फॉर्म सबमिट कर देना है और इसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना होगा। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पते पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस भर्ती के लिए DB प्रोसेस 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2024 के बीच नीचे दिए गए दस्तावेज पर होगा। तो देख पा रहे हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर लंदाना कॉम्प्लेक्स TIFR रोड ECIL हैदराबाद में जो है इसका मेरिट बेस पर जो है दोस्तों होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप ये लोकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर नालंदा कॉम्प्लेक्स TIFR रोड ECIL हैदराबाद 5000062। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भर्ती संबंधित सारी जानकारी दे दिए हैं। आई होप कि आपको सारा जानकारी जो है मिल गया होगा। अगर कहीं डाउट है, कुछ पूछ रहे हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।